इस साखी विच गुरु नानक देव साहिब जी का चित्रण केवल अते केवल अंतरीप उपदेश नूं सुखैण समझण लई वरत्या गया है। गुरु साहिब जी का कोई भी चित्र प्रमाणिक नहीं है अते कल्पना मात्र ही समझा जावे। गुरमत विच केवल अकाल पुरख अथवा शब्द गुरु की उपासना ही प्रवान है। हर कीआं कथा कहानियां गुरमीत सुनाईयां असन अबदाल अजोके रावलपिंडी तो कोई 45 किलोमीटर दे विच ते एक पुरातन शहर है जो कदे धर्म अते व्यापार दा वड्डा केंद्र होंदा सी। गुरु नानक देव साहिब जी मक्के तो वापस आउंदिया हसन अबदाल रुके अते एक पहाड़ी दे थल्ले उतारा कीता। इस पहाड़ी दे शिखर ते पीर वली कंधारी दा निवास सी जिसकी दूर दूर तक बड़ी मानता सी। गुरु जी अते भाई मर्दाना हसन अबदाल जिला अटक पुजे जिथे भाई मर्दाने ने बेनती की थी, गुरु जी बहुत प्यास लगी है पानी पियावा। गुरु जी ने कहा भाई मर्दान्या इस पहाड़ी उत्ते एक फकीर रहिंदा है जिसका नाम वली कंधारी है। उस पास पानी का चश्मा है, शायद तैनू चश्मे विच्चों पानी पी लैन देवे। भाई मर्दाना उस पहाड़ी उपर चढ़ गया। उसने वली कंधारी पासों चश्मे विच्चों पानी पीण दी आग्या मंगी। वली कंधारी ने कहा इस चश्मे दा पानी मैं अपने पीण लई रख्या है, जे मैं पानी दूजियां नूं पीण देंदा रहा ता ये तो मुक जाएगा। भाई मर्दाने ने कहा अब मैं एक परदेसी हाँ, मैनु किसे होर थां दा पता नहीं जिथे पीण लई पानी मिल सकता होवे, मैनु थोड़ा जहा पानी प्यास बुझाउण लई दे दियो। वली कंधारी ना मनिया। भाई मर्दाना गुरु जी पास परत आया। गुरु जी ने भाई मर्दाने नूं कहा उसनूं कह कि फकीरां नूं हंकारी नहीं होना चाहिदा, जो कुछ खुदा दा दित्ता होया है वह वंड के छकना चाहिदा है, खुदा इस विच ही खुश होंदा है। भाई मर्दाना दूजी वारी पहाड़ी उत्ते चढ़ गया अते जाके उसने वली कंधारी नूं उस तरह ही कह दिता जिवें गुरु जी ने दस्या सी। वली कंधारी ने अगों कहा जे तेरे गुरु पास कोई शक्ति है तां ओह तैनूं पानी क्यों नहीं पिला देंदा। भाई मर्दाने ने वापस आके गुरु जी नूं उवें दस्या जिवें वली कंधारी ने कहा सी। गुरु जी ने कहा भाई मर्दान्या करतार जो करता है सब भली करता है, निठाल ना हो वो पत्थर पासे कर। भाई मर्दाने ने पत्थर नू पासे कीता तो उस थल्यों निर्मल जल निकल आया। पहाड़ी उपर बैठे वली कंधारी दी नजर जदों अपने चश्मे उत्ते पई तो उसने देखा कि उसका पानी घट रहा सी। उसने देखा भाई मर्दाना थल्ले पानी पी रहा सी। उस दे चश्मे का पानी उस थां तो फुट पिया जिथों भाई मर्दाने ने पत्थर पासे कीता सी।
इस उपर वली कंधारी नू बहुत गुस्सा आया। उसने गुरु जी अते भाई मरदाने नू मारन लई एक वड्डा पत्थर पहाड़ी उत्तों रेड़ दिता। पत्थर नू रोक लिया। गुरु जी दे हाथ दा पंजा उस विच दस गया जिसका निशान उस पत्थर विच अज तक नजर आउंदा है। वली कंधारी ने जदों पत्थर रुकिया वेख्या तो उसने गुरु जी पास आके अपनी गलती दी माफी मांगी। गुरु जी ने कहा, वली कंधारी, खुदा दी दित्ती वस्तु दा की हंकार, जदों चाहे वो खो लवे, जिन्हें तेरे पासों उन्ने पानी दा चश्मा खोलिया। इंज वली कंधारी दा हंकार तोड़न दा कौतक करके गुरु साहिब जी ने सारी लुकाई नू निम्रता अते दैवी गुणा नू अपने जीवन दा शिंगार बनाउन दा उपदेश दिता। गुरु साहब जी दी चरण छो दा सदका असा नवदाल हुण पंजा साहिब जी दे नाम नाल मशहूर है। हर किया कथा बलहारी।